सत्ता के नशे में चूर भाजपा विधायकों की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन भाजपा विधायकों की गुंडई कहीं न कहीं देखने को मिल जाती है। आज ऐसा ही नजारा गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने पेश किया। अपने गुर्गों के साथ खाद्यान्न गोदाम का औचक निरीक्षण करने पहुंचे विधायक मौके पर गोदाम प्रभारी को न पाकर गुस्से में भड़क गए और गोदाम के मालिक को ही पकड़कर मारने पीटने लगे। अंदर मारने लगे सब लोग। कौन मारा है? सर, गोदाम प्रभारी सर भाग गए थे। प्रतीक भूषण थे? ये कौन है? हाँ, विधायक जी थे, उन्हीं के सामने हुई है। वही अंदर लेकर अकेले पकड़ लेकर गए और गोदाम प्रभारी नहीं थे, उनको लेकर भाग गए। अपना सब भाग गए, गोदाम का मालिक है उसको पकड़िए। हम क्या जाने, हम सब क्या जाने यहाँ का मामला कि क्या होता है, कितना गल्ला उठता है कितना गल्ला नहीं उठता। हम लोग इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है, क्या करें। सत्ता के नशे में चूर गोंडा सदर भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह खाद्यान्न गोदाम का निरीक्षण करने अपने गुर्गों के साथ पहुंचे थे। मौके पर भाजपा विधायक प्रतीक को गोदाम पर तैनात गोदाम प्रभारी नहीं मिला और मौके पर मिले 65 साल के बुजुर्ग राम अवध चौहान से पूछताछ करने लगे। इस दौरान विधायक व उनके गुर्गों ने 65 साल के बुजुर्ग को गोदाम के अंदर ले जाकर जमकर मारा पीटा। और जितिन मुनि प्रतीक सिंह कौन? कोई विधायक है। आप पहचानते हैं उन्हें? पहचानित है। यही नहीं, इस दौरान जब बुजुर्ग का बेटा मोबाइल से विधायक व उनके गुर्गों की करतूत रिकॉर्ड करने लगा तो भाजपा विधायक का पारा और चढ़ गया। वीडियो बना रहे व्यक्ति से विधायक ने मोबाइल छीन लिया और सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। विधायक के साथ आए लोगों ने उसे भी जमकर मारा। गोदाम पर हंगामे की सूचना पाकर तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि 65 साल के बुजुर्ग राम अवध के मकान में खाद्य गोदाम किराए पर है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। तीन थाने नगर कोतवाली इटिया थोक व कौड़िया की पुलिस की कार्यशैली संदेहास्पद लगी। मारपीट की घटना पर बिना कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विधायक व उनके गुर्गों को जाने दिया। सदर विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह से जब मारपीट को लेकर प्रश्न किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और सफेद झूठ बोलते हुए कहा कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। वो भगदड़ हुई, लोग अपना भागने लगे, इधर उधर भागने लग गए। जो यहाँ पर थे वो चिल्लाने लग गए, भागने लग गए। हम लोग भी इसमें पूछने लगे कौन है प्रभारी, कौन है प्रभारी। लेकिन इस मारपीट में घायल लोगों को देखकर ही साफ हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। नमामि भारत न्यूज़ डेस्क गोंडा।